हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में, जिसमें हम पढ़ते हैं मैथ्स एंड साइंस। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। इसमें सबसे पहले ले लेते हैं नंबर एक पे ले लेते हैं 10 से विभाज्यता। दस का भाग किस किस में जाता है इसका पता हम करेंगे कि अगर बड़ी संख्याएं दे रखी हो तो क्या उसमें दस का भाग जाता है या नहीं जाता है। इसका भी एक नियम है कि यदि लिख देता हूं मैं, यदि किसी संख्या का इकाई का जीरो है, क्या है जीरो है, तो उस संख्या में दस का पूरा पूरा भाग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या 21 में 10 का भाग जाता है? नहीं जाता, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? एक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीरो लगाकर 210 बना दूं, इसमें इकाई का अंक क्या है? जीरो है। अब इसमें 10 का भाग जाता है। वैसे ही अगर मैं 35 लिख दूं तो क्या इसमें 10 का भाग जाता है? नहीं जाता, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। अगर मैं इसमें आगे जीरो लगाकर इकाई का अंक क्या बना दूं, इसमें आगे जीरो हो जाएगा, यानी 350 संख्या बन जाएगी, तो क्या इसमें 10 का भाग जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर आगे और भी जीरो लगा दूं तो भी इसमें 10 का भाग जाएगा, क्योंकि वापिस क्या है? इकाई का अंक जीरो है। समझ में आ गया? यस सर। हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। दूसरे नंबर पे है 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ना है हमें। तो इसका नियम क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक जीरो या 5 हो, तो उनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका भी हम उदाहरण ले लेते हैं कि अगर मैं लिखता हूं 2 में 5 का भाग जाता है? नहीं जाता। लेकिन अगर मैं इसके आगे जीरो लगा देता हूं तो जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर मैं 2 के आगे 5 लगा दूं तो जाता है, यानी कि इकाई का अंक क्या है? 0 और 5। यहाँ इकाई के जीरो है तो भी 5 का भाग जा रहा है, और 5 है तो भी 5 का भाग जा रहा है। अगर मैं इकाई का अंक यहाँ पर मैं 6 लगा दूं तो क्या 5 का भाग जाता है? नहीं जाता है। अब ये नियम चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो वहां पर ये लागू होता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो वहां पर यही नियम लागू होता है कि अगर इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे कि मैं लिख दूं 5, 2, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 9 है। लेकिन अगर मैं इसके आगे 0 और लगा दूं तो अब इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। या फिर इसकी जगह पर मैं 0 की जगह 5 लगा दूं तो अभी इसमें 5 का भाग जाएगा। समझ में आया? अब देख लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें नियम क्या है देखो कि ऐसी संख्याएं जो
ऐसी संख्या है जिनमें इकाई का अंक जीरो या सम संख्या जिनमें दो, चार, छः और आठ हो, उनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। माना कि मैं एक संख्या लेता हूँ 11, क्या इसमें दो का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक एक है जो कि विषम संख्या है। अगर मैं इसके आगे जीरो लगा देता हूँ और इसके अंदर दो का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या हो गया? जीरो। अगर मैं इसके आगे दो लगा देता हूँ दो का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक दो है जो कि एक सम संख्या है। अगर मैं चार लगा देता हूँ तो भी दो का भाग जाएगा। अगर मैं छह लगा देता हूँ तो भी दो का भाग जाएगा। अगर मैं तीन लगा देता हूँ तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? तीन है। एक में नहीं जाएगा, तीन में नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पांच लगा देता हूँ तो भी इकाई का अंक विषम संख्या है इसलिए दो का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर छह लगा देता हूँ तो यहाँ पर इकाई का अंक सम संख्या है इसलिए दो का भाग जाएगा। जीरो का तो भी जाएगा, दो का तो भी जाएगा, चार का तो भी जाएगा, छह का तो भी जाएगा और अगर इकाई का अंक आठ है तो भी दो का भाग जाएगा। इसके अलावा अगर इकाई का अंक कोई दूसरी संख्या है तो उसमें दो का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। देख लेते हैं इसका नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाज्य है तो उस संख्या में तीन का पूरा पूरा भाग जाता है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। माना कि मैं एक संख्या लेता हूँ 26, तो इसमें दो अंक है, एक तो दो और एक छः, इनको दोनों को जोड़ते हैं, दो प्लस छः कितने होते हैं, सॉरी आठ, कितने होते हैं, आठ होते हैं। तो क्या आठ में तीन का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी तीन का भाग नहीं जाएगा। अगर इसकी जगह मैं 27 ले लेता हूँ तो दो प्लस सात कितने होते हैं, नौ, नौ में तीन का भाग जाता है। इसका मतलब 27 में भी तीन का भाग जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। माना कि मैं तीन हजार पांच सौ चौपन संख्या ले लेता हूं, इसके अंकों को जोड़ते हैं, देखो तीन प्लस पांच प्लस पांच प्लस चार, जोड़ो तीन पांच आठ, आठ पांच टोटल कितने हो रहे, सत्रह हो रहे। सत्रह में तीन का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब इसमें भी तीन का भाग नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पर 3556 ले लेता हूँ तो अब इसको जोड़ो, देखे तीन प्लस पांच प्लस पांच प्लस छ कितने हो रहे हैं, उन्नीस। क्या उन्नीस में तीन का भाग जाता है? उन्नीस में तीन का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब इसमें भी तीन का भाग नहीं जाएगा। अब मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ पर 3555 ले लेता हूँ, अब इनको जोड़ो, तीन प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच बराबर 18। क्या 18 में तीन का भाग जाता है?
इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देख लेते हैं 9 से विभाजित कर लिया, जैसा 3 का है वैसा के वैसा ही 9 का है। पांचवे नंबर पर है 9 से विभाजित का नियम, इसमें यही है। यदि नियम देख लेते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चाहता है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। माना कि मैं एक संख्या ले लेता हूं 57, जोड़ो इनको, 5 + 7 कितने होते हैं? 12। क्या 12 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब 57 में भी 9 का भाग नहीं जाता, नहीं जाएगा। इसकी जगह अगर मैं 7 ले लेता 77, तो 7 + 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो 14 में जाता है नहीं जाता। इसका मतलब 77 में भी नहीं जाता, नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ले लेता हूँ, 8 + 1 बराबर कितने? 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इक्वेशन में 9 का भाग जाएगा। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि नौ इसमें जोड़ो, 9 + 0 + 9 बराबर कितने हो रहे हैं? 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 9 का भाग जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 882 इसको जोड़ो, 8 + 8 + 2 इसमें भी ये कितने हो रहे हैं? 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 882 में भी 9 का भाग जाएगा। समझ में आ गया। ये है हमारे विभाज्यता के नियम जो मैंने आपको समझा दिए हैं। पहला था 10 से विभाज्यता का नियम, दूसरा था 5 से विभाज्यता का नियम, तीसरा था 2 से विभाज्यता का नियम, और चौथा था 3 से विभाज्यता का नियम, और पांचवा है 9 से विभाज्यता का नियम। ये पांचों नियम है जो आपको याद रखने हैं। ये हमारी प्रश्नावली 16.2 में काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।